Hey everyone, welcome to Achana Science Classes. My name is Ankit Dixit. Today our topic of this video is to find the least count of the vernier caliper. जो वर्नियर कैलिपर है उसका हमें क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है, कैलकुलेट करना है। फिजिक्स का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तो ये है वर्नियर कैलिपर। ये जो ऑपरेटस है, स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर होता है ये। इसमें दो स्केल होते हैं, एक तो ये होता है, ये वाला स्केल होता है, एक इसके यहाँ पर बीच में या स्क्वायर सा रेक्टेंगल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे भी और ऊपर भी स्मॉल स्मॉल क्या है, डिवीजन होते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर दो स्केल हैं, एक तो वर्नियर स्केल और एक क्या है, मेन स्केल। ये मेन स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है, जो मूवेबल स्केल होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ पे किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं स्मॉलेस्ट लेंथ निकालने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, या ये मालूम है आपको क्या है, अगर हमें इसका डायमीटर निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर का हम क्या है यूज करते हैं। और कोई भी हमें मेजर दे दे, गिलास दे दे, उसकी हमें क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है या हाइट निकालनी है, तो किसका यूज करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो लिस्ट काउंट सबसे पहले होता क्या है, लिस्ट मीन स्मॉलेस्ट काउंट, मतलब काउंटेबल, द स्मॉलेस्ट लेंथ कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। ओके, तो साइड में लिखते हैं लिस्ट काउंट की डेफिनेशन। लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट is called least count। उसको हम क्या बोलते हैं, least count। उससे छोटी को अगर count नहीं करेगा तो वो क्या आएगा, उसका least count आएगा। तो वर्नियर कैलिपर की भी लिमिट है, जैसे कोई वायर लिया हमने बिल्कुल माइनूट सा पतला सा जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, अगर हम उसका यूज करते हैं डायमीटर निकालने के लिए, इसका यूज करते हैं उसका डायमीटर निकालने के लिए वायर का, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो इसकी भी लिमिटेशन आती है। तो ये क्या है, लिस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू और इवन द लेंथ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द लिस्ट काउंट। अब इसका फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर का, फॉर्मूला जो होता है इसमें वो फॉर्मूला है 1, ये 1 ऐसा होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD है मेन स्केल डिवीजन और ये 1 VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसमें देखो, तो दो स्केल एक बार शो करता मैं आपको, यहां पे ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें दो स्केल हैं, एक तो स्केल ये वाला है, ठीक है, जिसमें 0, 1, 2, 3 ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो मूवेबल है जिसको मूव करवा रहे हैं, जो ये मूव हो रहा है, देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला है वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल है ये, ये है वर्नियर स्केल है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी इस स्केल में, वर्नियर स्केल में यहाँ पर भी डिवीजन है, क्या है यहाँ पर, ये देखो आई सो यू, तो यहाँ पर भी क्या है, ये डिवीजन आपने दिखाई दिए, ये देखो। अब इसके जो वर्नियर जो स्केल है यहाँ पे, इसमें ये 10 डिवीजन है, 10 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, ये 10 लाइनें हैं वर्नियर स्केल में, ठीक है, क्लियर दिखाई दिया आपको ये डायग्राम इसका वर्नियर कैलिपर का। तो जिसको मूव करवा रहे हैं तो वो कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल। जो ये रेस्ट में है यहाँ पे 0 के बाद 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm लिखा हुआ है, ये हमारा है मेन स्केल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 0 और 1 लिखा हुआ है, इसमें 10 डिवीजन, 10 लाइनें हैं, ये 10 लाइनें किसके बराबर हैं, 1 cm के बराबर है, 1 cm के बराबर है, कितने के बराबर,
वन सेंटेंस, देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दिया ये, तो इसमें कितनी लाइनें हैं, जीरो और वन के बीच में 10 डिवीजन है, अगर काउंट करोगे तो ध्यान से कितने डिवीजन है, 10। तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। तो यहां से तो डायग्राम में आपने देखा इसका कि यहां वर्नियर स्केल में ये दो स्केल है, एक तो जो नीचे वाला था जो रेस्ट में था वहां पे लिखा हुआ है 0, फिर उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन होते ही क्या था उसमें लिखा 1, वो 1 सेंटीमीटर है। फिर ऐसे कितना आएगा, ये यहाँ पे आएगा फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ये 9 8 10, तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी आगे 10 लाइनें, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल, ये है हमारा मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है जो इसके ऊपर था वो कैसा स्केल था, वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब हमने काउंट भी किए थे, दिखाया था आपको कि उसमें कितनी लाइनें थी, 10 लाइनें थी, 10 डिवीजन थी, ऐसे ये 0 था उसमें स्टार्टिंग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिवीजन है इसमें, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लाइन है। ये कौन सा स्केल है, ये है वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। इतना क्लियर हुआ, डायग्राम में आपने दोबारा शो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो मेन स्केल आएगा और ये कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल ये वर्नियर स्केल, इस वर्नियर स्केल की जो 10 लाइनें हैं वो मेन स्केल की 9 लाइनों के साथ क्या करें, कोइंसाइड करते हैं, ये देखो। अब ये हमने इसको मिलाया, मिलाने के बाद अगर आप इसमें देखोगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल में, थोड़ा सा नज़दीक पास लेके आते हैं और पास लेके आते हैं और पास, ये देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है इसकी 10 लाइनें वर्नियर स्केल की 10 लाइनें और उसकी 9 लाइनों के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ से तो ये जो 1 है इसमें क्या गैप रह जाता है यहाँ से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसकी जो 10 लाइनें हैं मेंस वर्नियर स्केल की और मेंस स्केल की कितनी लाइनें हैं, 9 लाइनें, आपस में क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, क्या करती हैं, कोइंसाइड, क्या 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल की 10 लाइनें मेन स्केल की 9 लाइनों के बराबर होती है, इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से 1 वीएसडी क्या आएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इसके बराबर आएगा 9/10, क्या आएगा, एमएसडी के बराबर, क्लियर हुआ, ठीक है। यहां पर है 9/10 एमएसडी, एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद है कि जो अभी हमने दिखा रहे वीडियो में अभी साथ में आपको ऐसे करके, तो वो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। तो 10 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की 10 लाइनें किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, जो मेन स्केल है ना उसकी एक लाइन वो कितनी लेंथ के बराबर आएगी वो हम मेजर करेंगे। तो ये आएगा 1/10 इधर मल्टीप्लाई में जाकर इसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये आएगा सेंटीमीटर, ये कितना आया, अगर इसको काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ये आया आपका 1 मेन स्केल डिवीजन। अब इस 1 डिवीजन की वैल्यू में स्केल की इसमें पुट करें, कहाँ पुट करें, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 1 वीएसडी की वैल्यू क्या आएगी,
वन ग्वालियर स्टेट डिवीजन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 9/10 मल्टीप्लाई में ये कितना आएगा 1/10 मिलना चाहिए 1/10 और ये क्या आएगा सेंटीमीटर तो मीनिंग क्या 9/100 सेंटीमीटर का क्लियर हो इतना। अब इस 1 वीएसटी की वैल्यू हम कहां पुट कर दें चाहे यहां पे पुट कर दें या इस 1 वीएसटी की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो क्या आएगा इसको राइट डाउन कर लो ठीक है इसके स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया स्क्रीनशॉट तो ऊपर वाला करें फिर इस काउंट को क्या कर देते हैं रन कर देते हैं अब ये यहां पे क्या आएगा ये 1 वीएसटी किसके बराबर है इसके बराबर आया तो अब ये जो 1 वीएसटी वैल्यू है अगर हम इसे पुट करें तो किसके बराबर है जो लिस्ट काउंट आएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एमएसटी माइनस ये 1 वीएसटी वैल्यू कितनी है 9/10 एमएसटी ये भी कर सकते हैं 9/10 एमएसटी अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10 एलसीएम आया 10 तो 10 एमएसटी माइनस 9 एमएसटी किसके बराबर आएगा 10 एमएसटी माइनस 9 एमएसटी किसके बराबर आया ये आएगा आपका 1/10 एमएसटी के बराबर आएगा इतना क्लियर हुआ अब 1 एमएसटी की वैल्यू क्या थी 1 एमएसटी की वैल्यू थी 1/10 सेंटीमीटर यहां पे देखो कि 1 एमएसटी किसके बराबर था 1 एमएसटी किसके बराबर है 1/10 सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/100 सेंटीमीटर मीनिंग 0.01 सेंटीमीटर ये क्या है इसका लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करेगा मेजर करेगा क्लियर हुआ तो ये अपना बेसिक जो है फिजिक्स में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है टू डिटरमाइन या कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर तो ये क्लियर हुआ इस पर हम करें तो ये था आपका लिस्ट काउंट निकालने का टॉपिक वर्नियर कैलिपर का तो ये लिस्ट काउंट आया किसके बराबर इसको जरा कर दिया तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू या 0.01 सेंटीमीटर या 1/100 सेंटीमीटर ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको समझ में आया तो इसको ऐसे ही राइट करना है आपको प्रैक्टिकल फाइल में दो पेज दिए एक लेफ्ट में एक राइट में लेफ्ट में ब्लैंक पेज दिया होता है और राइट में लाइनिंग वाला पेज दिया होता है ठीक है तो आपको क्या करना है राइट वाले पेज में एम लिखना है लेफ्ट वाले पे भी एम लिखना है फॉर्मूला जो हमने लिखा था हमने वो किस में लिखना है राइट वाले पेज पे भी और लेफ्ट वाले पेज पे भी लिखना है और ये जो कैलकुलेशन अभी की हमने ये फॉर्मूले के बाद जो आया ये कहां पे लिखना है आपको राइट लेफ्ट पेज पे इस पे करना है लेफ्ट पेज पे मुझे डायग्राम ये भी कहां बनाना है लेफ्ट पेज पे फाइल में क्या लिखोगे इसके बाद रिजल्ट क्या लिखोगे रिजल्ट लेफ्ट में पेज पे भी लिखना है और राइट वाले पेज पे भी लिखना है रिजल्ट आता है द लिस्ट काउंट ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर ये होता है क्लियर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में लेके आएंगे ये तो अभी हमने लिस्ट काउंट किया है वर्नियर कैलिपर का ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या करेंगे कोई भी बीकर ले लेंगे गिलास ले लेंगे उसका डायमीटर निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में